पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर 300 लोगों के हमले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने घटना की निंदा की है। टीएमसी समर्थकों ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। वहीं उन्होंने कहा कि टीएमसी समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई। देखिए, पश्चिम बंगाल में कानून का राज समाप्त हो गया। आज जिस तरीके से ईडी की टीम के साथ मारपीट की गई, जानलेवा हमला किया गया, उनको अपने दायित्व का निर्वाह करने से रोका गया तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा, ये साफ दर्शाता है कि पूरी की पूरी संवैधानिक मशीनरी वहां ध्वस्त हो गई है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता तिलमिल आ गए हैं। हमारा मानना है कि जिस तरीके से संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो गई है, अब राज्यपाल का हस्तक्षेप करने का समय आ गया। और जिन लोगों ने ईडी के अफसरों के खिलाफ इस तरीके का हमला बोला, जो एक संविधान के एक्ट से ईडी बनी है, इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कर नजीर पेश करनी चाहिए, जेल में बंद करना चाहिए, क्रिमिनल कंट्रोल एक्ट लगाना चाहिए। और सरकार, तृणमूल सरकार अभी तक खामोश है। जाहिर है सब कुछ उन्हीं के इशारे पे हुआ है।